गाइस मैं आज एक इंजीनियर ऑफिसर हूँ, पर क्या मैं एक्चुअल में खुश हूँ अंदर से? अगर मैं खुश नहीं हूँ तो उसका रीज़न क्या है? लेट्स फाइंड आउट इन माय वीडियो। वेल हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आकाश मर्चेंट नेवी। एंड इन टुडेज एपिसोड वी विल डिस्कस कि आप खुश रहते हो जब आप इंजीनियर ऑफिसर बन जाते हो। तो देखो, मर्चेंट नेवी एक ऐसी फील्ड है, ऑफकोर्स मैं मानता हूँ उसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, उसमें सारी चीज़ है, सारी फैसिलिटीज़ हैं। और एज आंसर टू योर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ कि इसमें तुम्हें क्या क्या प्रॉफिट मिल सकता है, तो वो सबसे पहला ये है कि तुम्हारी जो भी सेविंग्स रहती हैं वो सारी सेफ रहती हैं, जो भी तुम्हारा फ्लाइट का खर्चा रहता है वो भी सब सेफ रहता है। लेकिन वो होता कैसे है? सो गाइस क्या होता है ना, देखो चाहे तो वो मेरी कंपनी हो चाहे वो कोई भी कंपनी हो, अगर वो आपको प्लेस कर रही है किसी भी फील्ड में ऐसा जो कि मर्चेंट नेवी से रिलेटेड है, तो उसमें आपकी सेविंग सेफ कैसे रहती है और पहला स्टेप क्या होता है जो आपको लेना चाहिए? तो क्या होता है गाइस, सबसे पहली बात तो जब आप किसी कंपनी के थ्रू सिलेक्ट हो जाते हो, वंस यू विल गेट सिलेक्टेड फ्रॉम एनी कंपनी मीन्स एनी कंपनी, तो उनका एक रूल्स एंड रेगुलेशन चार्ट होता है। वो ये होता है कि जब भी आप उनसे सिलेक्ट होगे तो सारा पे जो है वो सारा आपको ही करेगी। यानी कि घर से निकलने के बाद अगर कुछ कंपनी ऐसी है जो तुम्हारे टैक्सी का भी पे करती है, यानी कि तुम अगर घर से टैक्सी लेके तुम अगर एयरपोर्ट पे जा रहे हो और उसका बिल जो है वो तुमने वहाँ पर पेस्ट कर दिया तो उसका पेमेंट भी देती है, लेकिन उसी के साथ साथ तुम्हें वो फ्लाइट्स भी देती है। यानी कि जो भी तुम्हारा साइन ऑन का जो फ्लाइट डिटेल होती है वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, और जब तुम्हारा साइन ऑफ होता है उसके भी तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट ही सारा कुछ कंपनी प्रोवाइड करती है। अब ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों प्रोवाइड करते हैं? तो गाइस यही रीज़न है एक मर्चेंट नेवी का, क्योंकि ये बैकबोन है अपनी कंट्री की, अपनी की नहीं बल्कि हर जगह की बैकबोन है। और जहाँ तक COC का सवाल है, जहाँ तक सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी का सवाल है जो आपको ऑफिसर बनने के लिए ज़रूरी होती है, तो वो भी इंडिया की सबसे बेस्ट है, जो सबसे ज़्यादा काउंट होती है। इंडिया इज़ द बेस्ट इन COC मैटर्स एज़ कम्पेयर टू UK, एज़ कम्पेयर टू एनी अदर COC। जो UK COC निकाल के आ रहे हैं गाइस, उनका भी अभी इंडिया में कुछ ऐसा सर्कुलर पास हुआ है कि जितने भी UK COC वाले हैं उनका COC कैंसिल होने का डर है। और उसके लिए वो क्या है, वो मैंने मेरे आकाश मर्चेंट नेवी जो मेरा फेसबुक पेज है उस पर मैंने सारा मैं पोस्ट करता रहता हूँ। तो जो भी आप लोग नए हो वहाँ जाके आप मेरे पेज पे जाके मेरे पेज को लाइक कर सकते हो, और वहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन वैल्यूड इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है। उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्लाइट का तो तुम्हें सारा कुछ पे करते ही है, उसके साथ साथ तुम्हें जो है वेसल पे जो भी तुम्हारा खाना पीना रहता है, जो भी तुम्हारा कैटरिंग का क्रू रहता है, वो सब भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। यानी कि अगर मैं अगले वर्ड्स में एक वर्ड में ये बात कहूँ, तो मर्चेंट नेवी में तुम्हारा सिलेक्शन होने के बाद एवरीथिंग व्हाट वी आर गोइंग टू ऑफर यू इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी टू एनीवन व्हेन यू कम इनटू दिस फील्ड। नाउ तुम्हें एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं है किसी को भी, जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो तुम कंटिन्यूटी प्रोसेस में आ जाते हो। नाउ मेरी कंपनी की सबसे खास बात यही है, बिकॉज मैं डेली इंटरेक्ट करता रहता हूँ, मेरे जो CV सेंड करते हैं उनसे मैं सबसे बात करता रहता हूँ, तो मैं उन्हें क्लियरली कह देता हूँ गाइस देखो अगर मेरे पास वैकेंसी और तुम सिलेक्ट हो जाते हो पूरी गारंटी आपकी मैं लेता हूँ। जब तक आपका साइन ऑन नहीं होगा, साइन ऑफ नहीं होगा, जब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा, वो सब की गारंटी मेरे ऊपर है, मेरी कंपनी के ऊपर है। और अगर मेरी कंपनी में से अगर कोई जा भी रहा है तो डेफिनेटली अब तक उसका सब अच्छा ही काम हुआ है, और ये मेरी कंपनी का 100% रिकॉर्ड है, एंड थैंक गॉड फॉर दैट। अब मैंने ये कंपनी खोली क्यों, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। देखो ऐसा नहीं है कि मैं इस फील्ड में पैसे नहीं कमा रहा था, ऐसा नहीं है कि मुझे इस फील्ड से अच्छी अर्निंग्स नहीं हो रही थी, मुझे इस फील्ड ने जितना दिया है थैंक गॉड टू दैट, और थैंक गॉड टू everyone जो भी मेरे साथ रहा, मेरे साथ काम किया, जिन्होंने भी, उन सबका मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन सब ने मेरे साथ हमेशा एक पॉजिटिव वातावरण बना के रखा, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखा जिसमें मुझे काम करने में बहुत मज़ा आया। और जो सी है वो मेरे ब्लड में है, वैसे भी मैं बना तो रहा हूँ, मेरी कंपनी है, लेकिन मुझे लगता नहीं है मैं ज़्यादा दिन सी से दूर रह पाऊँगा, बिकॉज मैंने जो मेरी कंपनी है उसमें भी मैंने अभी तक ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया है, क्योंकि ये सिर्फ मेरा एक ट्रायल है। अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है भगवान की दया से या आप लोगों की दया से, तो ही मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज मेरी कंपनी है ऑलरेडी, मैं वापस से ज्वाइन हो जाऊँगा एंड मैं सीफ तो था ही और रहूँगा हमेशा। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि मैं कभी भी मेरा जो सेशन है वो बनाना बंद नहीं करूँगा, चाहे जो कुछ भी हो जाएगा इस, अगर मैं कुछ गलतियाँ करता हूँ मैं कुछ गलतियाँ करता हूँ ठीक है, लेकिन उनसे मेरा क्या है कि मैं उनसे सीखता हूँ। अगर मैंने लास्ट वीडियो में कुछ ऐसे गलती की जिसमें मेरे डिसलाइक्स आए, तो वो गलती क्या थी, मुझे उनसे कोई शिकायत थी जो डिसलाइक दे रहे हैं? ऑफकोर्स तुम्हारा चैनल है यार, तुम्हें अगर अच्छा लगता है तो ही तुम आते हो, तो ही तुम देखते हो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो यू कैन प्रेस द डिसलाइक बटन, इसीलिए वो दिया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो मेरी तुमसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, तुम डिसलाइक करो, बिल्कुल करो, खुल के करो, बट प्लीज़ मुझे एक रीज़न दे देना नीचे कि तुम वो डिसलाइक किस बेस पे कर रहे हो, उस बेस पे मैं काम कर लूँगा, उस बेस को मैं ठीक करने की कोशिश करूँगा, जो कि मेरा स्टार्टिंग से नेचर रहेगा। मैं कभी भी किसी से भी गुस्सा नहीं करता, मैं कभी भी किसी से
अलग तरीके से बात नहीं करता, ठीक है, जो बात होती है मैं सामने वाले को क्लियर कर देता हूँ, उसे अच्छी लगती है तो वेल एंड गुड, नहीं लगती तो आई एम रियली वेरी सॉरी। तो भाई नेक्स्ट टाइम अगर आप प्लीज़ मेरी वीडियो को डिसलाइक कर रहे हो तो करो, मुझे कोई इशू नहीं है, आप करिए, आपका चैनल है, आप देख रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगता आप डिसलाइक करेंगे, ऑफकोर्स सीधी सी बात है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए मुझे एक वैलिड रीज़न दे देना यार कि तुम मेरी वीडियो को डिसलाइक क्यों कर रहे हो, ताकि मैं उस पर स्टडी करके तुम्हें उसका और अच्छा बेस बना के दे सकूँ अगले सेशन में, जो कि तुम्हारे फ़ायदे के लिए हो। अब मेरा जो सारा टॉपिक है वो सब तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही है। और गाइस मेरी कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीपी रेटिंग के जो नए फ्रेश बैच आ रहे हैं, उनमें से हम लोग सिलेक्ट करने वाले हैं उन सबको और उनको एक परमानेंट कंपनी देने जा रहे हैं, यानी कि जो भी वो जाएंगे उनको परमानेंट कंपनी रहेगी, यानी कि उनका वॉच कीपिंग वगैरह जो है वो सब हमारे थ्रू निकाला जाएगा और उनको प्लेसमेंट दोबारा फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाएगी। उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है, और बिकॉज मुझे भी पता है आप लोगों की कंडीशंस क्या है, ठीक है, कोई भी किसी भी अमीर घर से नहीं होता, और भाई मेरा तो ये कभी रहा ही नहीं है यार, अगर मुझसे होता होगा तो मैं तुम्हारा काम कर सकती, लेकिन मेरी एक प्रूफ है, मेरी एक जबान है कि अगर मैंने तुम्हारा काम हाथ में लिया है तो मैं डेफिनेटली उसे करके तुम्हें दूंगा, ठीक है। अगर मैं किसी को मना करता हूँ या तुम लोग मुझे मना करें तो मैं तुम्हें बोल भी देता हूँ, यू कैन गो एंड ट्राई इन सम अदर कंपनीज। सो भाई उसमें मेरा कोई, मैं मतलब तुम्हें दिल से नहीं कह रहा हूँ वो चीज़ें, ठीक है, कि तुम्हें बुरा लगना चाहिए इस बात के लिए। अगर मेरे पास कुछ फ्री की वैकेंसीज आएंगी देन आई प्रॉमिस टू यू कि मैं तुम्हें जो भी फ्री की वैकेंसीज है वो सब दे दूंगा, प्लस जो तुम्हारे जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि मेरे साथ फिटर्स हैं और कुछ मेरे चीफ ऑफिसर्स हैं, कुछ मेरे चीफ इंजीनियर्स भी हैं, उनको भी कुछ हेल्प चाहिए रहती है तो मैं उनका डेफिनेटली मैं सबका भी वर्क कर दूंगा, बिकॉज मेरे ऊपर आप सबने ट्रस्ट किया है तो कुछ सोच के ट्रस्ट किया होगा, और उस ट्रस्ट को बनाना ही मेरा सबसे बड़ा काम है, ठीक है। क्योंकि यही एक चीज़ है जिससे मुझे लग रहा है कि अब मैं कुछ अलग कुछ एक्साइटमेंट ला सकता हूँ इस लाइफ में आपके लिए, मेरे लिए, यानी कि इन अदर वर्ड्स तुम ये कह लो कि ज़िंदगी मेरी चाहे कैसी भी रही हो, मौत मैं शानदार चाहता हूँ, तो अगर मैं कल को कुछ मल को मैं ना भी रहूँ तो एटलीस्ट मुझे याद करने के लिए तुम सब रहो कि चलो कोई था, कोई इतना अच्छा करता था हम सब के लिए, हम सबको कुछ ना कुछ सिखाता रहता था, तो बस मुझे वही चीज़ चाहिए यार। लाइफ में पैसा कमाना इज़ नथिंग एक्चुअली, पैसा कमाना सब कुछ नहीं होता यार, तुम्हारे पास पैसे बहुत हैं लेकिन तुम अंदर से खुश नहीं हो, तो उस पैसे का तुम करोगे क्या फर्स्ट ऑफ ऑल। अब अगर मैं हूँ, जैसे मैंने किसी का हेल्प किया है, नहीं मैंने किसी का, कोई जो मेरे नए जीपी रेटिंग बैच के बंदे जा रहे हैं उनका मैं परमानेंट कंपनी में करवा दूँ, तो तुम इमेजिन कर सकते हो उनको कितनी खुशी मिलेगी कि उनका एक कंपनी में ऐसा हो गया विदाउट फ्रॉड एजेंट्स, विदाउट सब किसी के, कि वो फ्री में जा रहे हैं और फ्री में अपना काम करवा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम पर जब भी जा रहे हैं सब उनका फ्री ऑफ कॉस्ट है और अच्छी कंपनी दी हुई है। अब गाइस एक बात और है जो कि मुझे मेरी कंप्लेंट एक रिसीव हुई थी कि मैंने भेजा था एक क्रू को और वहाँ पर उसने कुछ प्रॉब्लम कर दी थी। सो गाइस प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, देखो अगर मैं तुम्हें कहीं पे भेजता हूँ, मैं किसी कैप्टन साहब में लेके जाता हूँ तो मैं उनसे बात करने के लिए बोलता हूँ तो तुम बात कर लेते हो, सिलेक्शन तुम्हारा हो जाता है, शिप पे तुम पहुँच जाते हो। अब शिप पे यार तुम लड़ाई झगड़े मत करा करो, दैट इज़ माई रियली आर रिक्वेस्ट फॉर यू, बिकॉज लड़ाई झगड़े तुम करते हो और वहाँ पे नाम मेरा ख़राब हो जाता है कि तुम्हें आकाश ने एक ऐसा हमें पर्सन दिया, इसका इंटरव्यू भी नहीं लिया तुमने, इसको डायरेक्ट तुमने हमारे पास सेंड कर दिया और इसने वहाँ जाके लड़ाई कर ली और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, तो उसमें गाइज मेरा नाम ख़राब हो जाता है। सो गाइज अगर मैं तुम्हें भेज रहा हूँ तो प्लीज़ थोड़ा काम डाउन रहो यार, तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारी सैलरी नहीं आ रही तो मुझे बोलो, तुम्हारा टाइम पे साइन ऑफ नहीं हो रहा तो मुझे बोलो, तुम्हें रीजॉइनिंग नहीं मिल रही तो मुझे बोलो, मैं वो सब करके दूंगा, उसके लिए मैं लाइबल हूँ, ठीक है। तुम्हारा सब कुछ संभालने वाला मैं अकेला हूँ, मेरे ऊपर सब कुछ है, मैंने एक कंपनी खोली है, बहुत बड़ा रिस्क लेके खोली, आई नो दैट, बट कोई बात नहीं यार, लाइफ भी तो एक रिस्क ही है ना, यानी कल को अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो तुम सब विटनेस हो इस चीज़ के कि हम सब आकाश को देखते थे और आज देखो वो कहाँ पर है, और ये देखो हमने उसकी वीडियो सारी हमने देखी हुई सबसे पहले और हमारे थ्रू ही वो आगे बढ़ता चला गया। ऑफकोर्स मैं तुम्हारे थ्रू ही आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आगे बढ़ने के लिए, मेरे सब सिर्फ ये है कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे देखते हैं, मेरी बातों पर ट्रस्ट करते हैं, एंड तुम्हारे कमेंट्स तो भाई जान ले लेते हैं यार, ऐसे जहरी कमेंट्स मत किया करो, मतलब कॉन्फिडेंट तो मैं हूँ ही ऑफकोर्स, बट तुम्हारे जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मैं ट्रिपल कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ, यू नो इतना कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ कि मैं ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऑफकोर्स मैं कुछ भी कर सकता हूँ, दैट इज़ नॉट अ क्वेश्चन, बट थैंक यू सो मच यार, तुम इतना साथ दोगे, इतना सपोर्ट दोगे, मैंने कभी नहीं सोचा था, सो जस्ट थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छे हो तुम सारे, और चलते हैं जर्नी आगे बढ़ाते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, और कुछ मुझे नहीं पता तो प्लीज़ तुम लोग मुझे सिखा देना, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, आई नो आई एम नॉट 100%, बट सो एटलीस्ट आई एम 99.95% तो मुझे आता है, तो इतना तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ गई। वो हाँ एक कमेंट आया था मेरे को, कहता है भाई मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो मतलब इतना ज़्यादा है कि मतलब बहुत मस्त लगता है, तो उन्होंने मुझे कुछ कहा था, उन्होंने कहा था कि क्या, हाँ
मेरे भाई जैसा कोई हार्ड एज नहीं है, तो भाई वो सही बात, तुम्हारे भाई जैसा कोई हार्ड एज नहीं है, ठीक है, कभी भी हेल्प चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, तुम कहीं भी जा रहे हो तो मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए ऑलवेज हूँ यहाँ पर, कभी भी तुम्हें कुछ भी चाहिए फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर, ऑल माई नंबर्स आर गिवन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो देयर, यू कैन चेक देयर एंड यू विल गेट बैक टू मी, आई विल हेल्प यू डेफिनेटली ASAP. So that's all for this session for this Akash Merchant Navy group. And thank you so much for listening to me. Thank you so much for dislikes. And guys, next time dislikes तो मैं मना नहीं कर रहा तुम्हें, but please एक valid reason डाल देना ताकि मैं उस पर study करके उसको भी मैं like में convert कर सकूँ. That is my target. Okay guys, so thank you so much once again for following my channel, for following my Facebook page, following my Facebook fan page. You guys are the best. You always be the best. So this is Akash Merchant Navy taking sign off. See you in the next video. Then take care and you have a great day. See you.